नमस्कार दोस्तों, महाकाल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि जो घर निर्माण करते हैं, घर नया बनाते हैं, उसमें किस टाइप की सेंटरिंग होती है और मिस्त्री लोग कैसे सपोर्ट करते हैं ऊपर के छत को। इसी चीज़ों को मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाना चाहता हूं। तो आइए चलते हैं घर निर्माण के सेंटरिंग में। सामने का है, मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, राड को खींच रहे हैं। ये राड है, और नीचे भी राड रखा हुआ है, ऊपर में सब राड चढ़ेगा। ये गिट्टी है, ये प्लाईवुड है सपोर्टिंग के लिए। तेज़ी से मिस्त्री लोग कर रहे हैं, बहुत ही जोखिम उठाकर मेहनत वाला काम रहता है घर निर्माण में। अच्छे कारीगर, अच्छे मिस्त्री लोग ही घर को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। आप भी अपना घर को बनाइए तो मिस्त्री, अच्छे मिस्त्री और लेबर को रखें। ओ, सेटिंग करते हुए मिस्त्री लोग रात को सेटिंग कर रहे हैं। और ये घर के सामने का हिस्सा है, मिस्त्री लोग वर्कर लोग काम कर रहे हैं घर निर्माण में। ये गिट्टी रखा हुआ है, ये मैं भी चढ़कर ही शूट कर रहा हूँ। ये देखिए मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। बिल्डिंग के कामों में इसी टाइप की काम होती है, बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में ढलैया हो रही है और सेंटरिंग टाइट कर दिया गया है और ऊपर में राड सेटिंग किया जा रहा है, ऊपर की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, राड से पूरा सेटिंग किया जा रहा है, कंक्रीट और रेत डाला जाएगा और पूरा ढलाई कंप्लीट हो जाएगी। मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, बहुत मेहनत करके जोखिम उठाकर मिस्त्री लोग बिल्डिंग बनाते हैं। ये लोहे की राड है, ये प्लाईवुड है, मजबूती के लिए कि यहाँ पे ढाला जाए तो नीचे ना लीकेज हो और राड अच्छा से रहे। मिस्त्री लोग कर रहे हैं यहाँ पे काम। तो ये किस टाइप का सपोर्ट किया गया है, ऐसे सपोर्ट होता है। और ये ऊपर का जो हिस्सा है, ये छत का है, ऊपर में ढलाई होगा। ये पूरा सपोर्ट किया गया है बांस से, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो छत में। ऊपर का काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, छत बन रहा है। छत के सपोर्ट के लिए, क्योंकि ऊपर में ढलाई होने वाला है, तो पूरे बांस से सपोर्ट किया जाता है कि छत मजबूती रहे, क्योंकि सीमेंट गीला रहता है उस समय तो ढाला जाता है, से सपोर्ट किया जाता है। 15-20 दिनों तक, एक महीना के आसपास में इसे छोड़ दिया जाता है ढालकर। भीतर की ओर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, घर का निर्माण हो रहा है। घर के निर्माण में ये गिट्टी, रेता और राड वगैरह रखा हुआ है और ये घर आधा बन चुका है और छत की ढलैया हो रही है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा कि घर का निर्माण में कैसा सेंटिंग हुआ और मिस्त्री लोग किस टाइप का जोखिम उठाकर और बहुत मेहनत कर घर को ढालते हैं, अब घर कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि भी आने वाली है, आप लोग भी भोले शंकर जी का, महाकाल जी का अच्छी तरह से तैयारी करें। फिर मैं शिवरात्रि में कुछ और शंकर जी के बारे में कुछ और हटकर उसके 2-3 दिन पहले लेकर आऊँगा। चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।